walk all over you. लीग स्पीड गॉन्टलेट के थर्ड लेवल का अनाउंस करता है और बताता है कि ये लेवल आसान नहीं होगा और चैंपियंस का पिंजरा खोलते ही गॉन्टलेट पे एक नया चैंपियन एंटर करता है और उसे देख के हल्क लीग स्पीड को कहता है, ये तुम्हारा नया चैंपियन, ये लड़ेगा मुझसे, अरे ये तो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम अर्थ। और तभी वो चैंपियन हल्क के मुँह पे एक जोरदार वार करता है और वो था द अनऑर्डी थॉर। दोबारा हमला करता है और हल्क किसी तरह से उस हमले को डिफेंस करके चीख के थॉर को कहता है, थॉर, ओडिनसन, जो भी कहता तू अभी अपने आप को, ये मैं हूँ एमाडियस, एमाडियस चो द हल्क। लेकिन थॉर दोबारा हल्क के ऊपर हमला करता है और हल्क थॉर को दोबारा कहता है कि ओडिनसन देखो, मुझे पता है कि पोर्टल से निकलने के बाद तुम बहुत कंफ्यूज हो और मैं भी था, और इसलिए मेरी बात सुनो, हम लोग अभी सकार प्लैनेट पे है और तुम गलत लोगों की तरफ से लड़ रहे हो, तुम बुरे लोगों के साइड पे हो। और थॉर दोबारा हल्क के ऊपर हमला करता है और हम देखते कि सारे ऑडियंस इस फाइट को बहुत एंजॉय कर रहे थे और खुशी से चीख रहे थे, चीयर कर रहे थे। और इधर हल्क थॉर के हमले को डिफेंस करके समझा रहा था, थॉर समझो मेरी बात, अगर हम दोनों टीम अप कर ले तो हम दोनों मिलके वर्ल्ड लॉर्ड को उसके कातिल सेना को मजा चला सकते हैं, सारे मासूम लोगों को आजाद करके उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन थॉर दोबारा हल्क की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इस बार थॉर चीख के कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ डिवाइस लगा दिया है जिससे लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। और तभी हल्क थॉर के सीने में लगी एक डिवाइस को देख के कहता है, सही कहा, इसका नाम है ओबीडियंस स्टिक्स, जिसके जरिए कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और लीग स्पीड चीखता है कि खत्म कर दो हल्क को, और तभी हल्क की नजर लीग स्पीड की तरफ जाता है और हल्क समझ जाता है कि लीग स्पीड ही उस छड़ी के जरिए थॉर के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और हल्क थॉर को कहता है, रुको एक मिनट मुझे जरा। और थॉर दोबारा हल्क के ऊपर हमला करता है और कहता है, मैं रुक नहीं सकता, वो लोग मेरे जरिए तुम्हें मार देंगे। और हल्क कहता है कि थोड़ी सी कोशिश करो ओडिनसन, हम कर सकते हैं। लेकिन थॉर एक और हमला करके हल्क के तलवार को तोड़ देता है और थॉर चीखता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा हल्क, तुम्हें बकबक कम करके मेरे साथ लड़ना ही होगा, तुम्हें मुझे रोकना होगा हल्क, वरना सभी लोग मर जाएंगे, मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और इतना कहते ही थॉर एक जोरदार वार करता है और इससे धरती फट जाता है और पूरा स्टेडियम हिल जाता है और चाक और मायरा चौक जाती है और मायरा चीखते है कि हल्क वो सब कुछ तबाह कर रहा है, तुम्हें उससे लड़ना ही होगा हल्क, उठो हल्क। और थॉर की इस वार से मची तबाही से पूरे स्टेडियम की हालत खराब होने लगती है और लीग स्पीड उस छड़ी को लेके ऊपर एक सेफ जगह पे चला जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने सोचा था कि तुम लोगों के पास ग्रीन कार्ड है प्रिस्टेस, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा कि असली वर्ल्ड ब्रेकर किसके पास है। और उस तरफ थॉर की गई वार से धरती चीर के लावा निकल आती है और जमीन पे एक बहुत बड़ा क्रैक हो जाता है और पास में ही खड़ी मायरा डिसबैलेंस होकर उस लावा में गिर जाती है। और तभी हल्क मायरा को पकड़ लेता है, कोई नहीं मरेगा मेरे देखरेख में, बेवकूफ सभी मर जाएंगे तुम्हारे देखरेख में। और मायरा आगे हल्क को समझाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने अंदर के उस मॉन्स्टर से डर लगता है हल्क, और मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें हम लोगों को बचाना है तो तुम्हें उसे बाहर निकलने देना ही होगा हल्क, तुम्हें वर्ल्ड ब्रेकर को बाहर निकलने देना ही होगा, अपने आप को मत रोको हल्क। और मायरा हल्क से कहती है कि तुम इसे अपना दोस्त मानते हो, लेकिन अगर तुम इसे मारोगे नहीं तो सब मर जाएंगे। और तभी थॉर अपना एक्स लेके हल्क के ऊपर झपटता है और चीख के कहता है कि वो सही कह रही है हल्क, तुम बेवकूफ हो, हिचकिचाना बंद करो और मारो मुझे। और तभी हल्क थॉर को एक जोरदार पंच मारता है और थॉर जाके एक दीवार से टकराता है और सारे दर्शक चीख उठते हैं, मजे से झूम उठते हैं। और थॉर कहता है कि बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये तुम्हें मारने के लिए काफी है, इसलिए खुद को रोकना बंद करो हल्क और मारो मुझे। और थॉर दोबारा हल्क के ऊपर झपट के हमला करता है। थॉर एक के बाद एक हमला करते जा रहा था
और हल्क सहते जा रहा था और डिफेंस करके उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। और मायरा गुस्सा होकर चीखती है कि हल्क एक क्या कर रहे हो, बाहर निकालो अपने अंदर के जानवर को। और तभी हल्क की आंखें ग्रीन हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके माइंड में हल्क डिक्की से बाहर निकल चुका था। और एमाडियस कहता है ओह नो, और हल्क एमाडियस से कहता है मैं बाहर आ गया बच्चे, और अब तू मुझे और छुपा नहीं सकता, और शायद तू और छुपाना चाहता भी नहीं है। क्यों, सही कहा ना एमाडियस? और एमाडियस कहता है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम अंदर जाओ, एवरीथिंग इज फाइन। और हल्क कहता है नहीं, उस स्टीयरिंग मुझे दो एमाडियस। नहीं, आखिर तू किस बात से डर रहा है? मैं तू ही तो हूँ, तू और मैं एक ही हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। ऑफ कोर्स हूँ एमाडियस। और हल्क कहता है कि ऑफ कोर्स हूँ, मैं तेरा ही हिस्सा हूँ एमाडियस, एक ऐसा हिस्सा जो डरता नहीं है, जो अपने आप को रोकता नहीं है, जिसके अंदर किसी चीज की डर नहीं है, जो जानता है कि हजारों लोगों के लिए एक लोगों की कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। और हल्क आके कहता है कि तू मुझे एक मॉन्स्टर कहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो मोरल है। मेरी बात सही है एमाडियस, और तू भी जानता है हम एक के लिए हजारों को मरने नहीं दे सकते। और हल्क आगे कहता है और अब दे दे मुझे स्टीयरिंग एमाडियस, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं थॉर, ओडिनसन, तुम उसे मार दोगे। हाँ शायद, और इसके बदले में हजारों लोगों की जान बच जाएगी, और तुम्हें भी पता है कि यही सही है, यही एकमात्र रास्ता है। क्यों, सही कहा ना एमाडियस? और एमाडियस के हाथों से वो स्टीयरिंग छूटने लगती है और हल्क कहता है Now give me the steering। और हम देखते हैं कि हल्क रेज से भर उठता है और थॉर कहता है आखिरकार वाइल्ड ब्रेकर। और तभी हल्क कहता है कि नहीं, ये मैं ही हूँ और मैं ही काफी हूँ, कोई वाइल्ड ब्रेकर नहीं। और थॉर दोबारा झपट के हल्क को बहुत जोर से मारता है और थॉर हल्क को मारता जा रहा था। और लिक्सपीट और वॉलॉर्ड ये देख के मुस्कुरा रहे थे, उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था। और हल्क पूरी तरह से घायल होके अपने घुटनों पे गिर जाता है और वॉलॉर्ड कहता है कि खत्म कर दो इसे। और लिक्सपीट अपने छड़ी के जरिए थॉर को ये आदेश देता है कि हल्क को खत्म कर दो, लेकिन थॉर कहता है कि नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थॉर के हाथ अपने आप उठ जाते हैं हल्क को मारने के लिए और लाचार थॉर हल्क को कहता है मुझे माफ कर देना एमाडियस। मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये बात तो मैं तुझे बोलने वाला था, माफ कर देना इतने जोर से मारने के लिए। और हल्क थॉर को एक जोरदार पंच मारता है और देख के वॉरलॉर्ड और लिक्सपीट चौंक जाते हैं। और हल्क थॉर से पूछता है ज्यादा जोर से तो नहीं लगी, और थॉर कहता है तू हमेशा अपने तरीके से काम करता है ना। हमेशा, इतना किसके लिए मैंने अपनी ही मार ली। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो ये ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करेगी, मुझे दूसरी बार की जरूरत भी नहीं। और हल्क थॉर के सीने में लगी वो डिवाइस तोड़ देता है और थॉर को संभाल के उठाता है। और अब हल्क ये फोर्थ लेवल भी जीत गया था। और देख के उनके क्लैन के सभी लोग दौड़ के उनके पास आते हैं और चीयर करने लगते हैं। और हल्क सभी को अपने दोस्त थॉर से इंट्रोड्यूस करवाता है। और अब अकेला हल्क क्या कम था कि अब थॉर भी उसके क्लैन में आ गया। और ये देख के वॉरलॉर्ड परेशान हो जाता है और लिक्सपीट के ऊपर चीखता है कि लिक्सपीट, किसी एक को तो मरना चाहिए था, क्यों तुम्हें नहीं लगता? हाँ। और लिक्सपीट डर के कहता है माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। और वॉरलॉर्ड कहता है अब कोई फायदा नहीं, ये सारे वॉरियर्स बेकार है, तुम हार गए लिक्सपीट। और वॉरलॉर्ड दर्शकों की तरफ देख के कहता है तुम लोगों को वॉल ब्रेकर चाहिए ना, हल्क कोई वॉल ब्रेकर नहीं है, वो तो एक दयालु मसीहा है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल गॉन्टलेट के फिफ्थ राउंड में मैं दिखाऊंगा कि वॉल ब्रेकर क्या है, मैं ब्रेक करूंगा इस वर्ल्ड को। और एक कह के वॉरलॉर्ड गुर्राता है और लिक्सपीट वॉरलॉर्ड को पूछता है तो माय लॉर्ड, क्या मैं उस पोर्टल में जाके कुछ और मॉन्स्टर जुगाड़ करके लाऊं? और वॉरलॉर्ड अंदर जाते हुए कहता है एनाफ लिक्सपीट, तुम्हें जो करना था वो कर लियो, अब जो करना है वो मैं करूंगा, हल्क को हराने के लिए जो चाहिए मेरे पास वो सब कुछ है। और तभी वॉरलॉर्ड लिक्सपीट को कुछ दिखाता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़े न्यूक्लियर मिसाइल को।